नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बता दें, सोमवार को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के मंडप में विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी और योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ विधानमंडल सचेतकों की बैठक करेंगे। वहीं विधानसभा बैठक में विपक्ष की तरफ से पहली बार बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 5 KD सीएम आवास पर सचेतकों की बैठक की जाएगी। बता दें, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के नेतृत्व में सदन में सरकार को घेरने और मुद्दों को लेकर रविवार को रणनीति पर चर्चा की। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो हम लोग लगातार विरोध करते हुए हंगामा करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, यूपी विधानमंडल सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। आपको बताएं कि 11 बजे महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अभिभाषण के बाद शुरुआत होगा। इससे ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग यानी कि अपने आवास पर एक बैठक किए हैं, जिसमें तमाम सचेतकों के साथ कैसे हम सदन में कार्य करेंगे और कैसे सबको बोलने का जो बात कहे कल विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने जो बात कही थी कि सभी पक्ष और विपक्ष को एक समान बोलने का अधिकार दिया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बताएं कि सुबह के मुख्यमंत्री आज बैठक में साफ तौर से सरकार की उपलब्धियों को और सरकार के कार्यों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसको लेकर विचार विमर्श किए। आपको बता दें कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा पे हूँ, जहाँ से पूरा प्रदेश चलता है, और बात करें तो यहाँ विधान परिषद और विधानसभा के का जो पदाधिकारी होते हैं, विधायक गण होते हैं, वो यहाँ से पूरे प्रदेश की रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर बात की जाए तो कुछ ही वक्त पहले विधानसभा की कार्रवाई से पहले आज समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचकर और प्रदेश की तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा में बेहतरी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल पूछते हुए नजर आए। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य और साथ ही साथ विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक गणों की पूरी आज मंडली आज ठीक सामने चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के सामने बैठकर हाथों में तख्ती लेकर सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे थे। वहीं आपको बताएं कि शिवपाल यादव की अगुवाई में ये सभी नेता आज विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। ठीक सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे को लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा की कार्रवाई में ये साइकिल से पहुंचे हैं। इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि क्या कह रहे हैं। पहले हम आपको इनको सुनाते हैं। जी, मजबूत होंगे। आज सदन की कार्रवाई है, कैसे घेरने की तैयारी है आज? देखिए तो साफ तौर से आप देख रही हैं तस्वीरों में कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो साइकिल से पहुंचे हैं, कैसे घेरने की तैयारी की गई है आज? देखिए, विधानसभा के अंदर हम लोग इनका हर मुद्दे को जवाब दिया जाएगा। आज जो हालत है देश की, प्रदेश की, किसी छिपे हुए नहीं है। अब पहली बार जो परंपराओं को तोड़ा है, एक नंबर से विधायक जाते थे, और जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बदलने की कोशिश की है, उसी तरह परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश की है। दूसरा ये है कि और किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर ये सरकार भाग रही है। आज जिस तरीके से बुलडोजर पहले पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अफसरों के ऊपर चला,
कानपुर के अंदर ब्राह्मण परिवार, गरीब ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चला, दो लोग की मृत आत्महत्या कर लिया, हत्या हो गई। और ये प्रदेश नहीं पूरी दुनिया को सर्वस्व कर दिया है। सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने आप साइकिल से पहुंचे हैं, बदन से आज सदन की कार्रवाई में आज साइकिल से आप पहुंचे हैं? ये साइकिल से चलते हैं, ये हमारा इनके सरकार के खिलाफ एक अभियान है और इनके ये आज सारे चीज़ों को बंद कर दे रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर FIR कर देंगे, आपकी सत्ता समाप्त कर दी जाएगी। ये ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आप बोल नहीं पाएंगे, आप धरना नहीं कर सकते, आप अपनी बात उठा नहीं सकते, इसलिए अकेले चल के ही इनका साइकिल चल के। इससे पहले आप लोग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने विरोध प्रदर्शन किए हैं, तब हाथों में तख्तियां लिए थे जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा तमाम मुद्दों पे आप बात करते हुए नजर आए हैं। विरोध प्रदर्शन से क्या जताना चाहते हैं? कि सरकार झूठी सरकार है, जो सरकार ने वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, आप में छोटी बिजली के नाम पर इन्होंने वादा किया था कि जब सपा ने घोषणा पत्र जारी किया था तो इन्होंने घोषणा किया था हम बिजली फ्री देंगे। आज बिजली के नाम पर अवैध ढंग से वसूली की जा रही है, 25% पैसा सरकारी खजाने में, 75% पैसा अधिकारियों के जेब में जा रहा है, ये व्यवस्था इनकी है। धन्यवाद जी। तो साफ तौर पे आप देख रहे थे कि भदोही के विधायक हैं, जिनको मैं अपने सहयोगी से कहूंगा सबसे पहले दिखाएं कि साइकिल से ये विधानसभा की सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि हम अपने चुनाव चिन्ह के साथ पहुंचे हैं और इनका ये भी कहना है कि हम जो प्रदेश के अंदर में महंगाई है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं, इसको कहीं ना कहीं साइकिल से आकर हम अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। ठीक पीछे विधानसभा है और आपको बताएं कि ठीक 11 बजे महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी तो विपक्षी पार्टियां तो पूरी तैयार है सरकार को घेरने के लिए, सरकार कितनी तैयार है अपना पक्ष रखने के लिए? जी निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो CM योगी आदित्यनाथ की बैठक में ये साफ किया गया कि हम सरकार के पक्ष को कैसे रखेंगे, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जो हस्ताक्षर किए गए हैं 34 लाख करोड़ के MOU, उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे, इसको लेकर चर्चा की गई। मयूरी अगर बात करें तो अगर देखें तो सरकार योगी उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ की 2.0 की ये सरकार है और देखा जाए तो 6ठा साल चल रहा है सरकार, तो अभी अगर देखें तो साल भर के अंदर जो भी कार्य किए गए हैं या कुछ ऐसे कार्य जो पूर्व अगर देखें तो पिछली यानी कि योगी सरकार की पहली सरकार 2017 से 2022 में जो अधूरे रहे हैं उसको पूरा करने का जो काम किया गया इन साल भर के भीतर में, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी और उससे अपनी उपलब्धियां बताई जाएगी। साथ ही प्रदेश के अंदर में G20 की बैठक हुई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ जिसमें 10,000 से ऊपर निवेशक हिस्सा लिए, इसको इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार का विधानसभा सत्र काफी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव उनके साथ बैठे हुए नजर आएंगे और साफ तौर पे अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, हर एक विंग के लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं मजबूती और आत्ममनोबल की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष कैसे सरकार से सवाल पूछता है और सरकार कैसे अपने उपलब्धियों को गिनाता है। और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव क्या कुछ खास हो सकता है उत्तर प्रदेश की? जी अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बजट में तो इस बार का बजट 2024 चुनाव को देख मद्देनजर रखते हुए काफ़ी आकर्षित बजट आने वाला है और 22 तारीख को बजट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि किन वर्गों को क्या बेहतरी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में किन चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो नागरिक हैं, जो तमाम जनता है, उनकी यही आशा अपेक्षा है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे बात की जाए शिक्षा में बेहतरी, चाहे बात की जाए चिकित्सा में बेहतरी, चाहे बात की जाए रोजगार सृजन के अवसर, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं
वे विपक्ष सवाल पूछते हुए नजर आएगा और उत्तर प्रदेश की जनता के इस पर आशा अपेक्षा लगाए बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 तारीख यानी कि आज से ठीक दो दिन बाद उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा, तो किन किन मुद्दों को और किन वर्गों को साधने की तैयारी होगी। जी विफांसु, अगर देखें तो हमेशा से विपक्षी पार्टियां महंगाई और रोजगार को अपना मुद्दा बनाती रही है, सरकार को घेरती रही है, तो क्या बजट में इसको लेकर खास ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावे किए करते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी पहले से हुआ है, उसमें बेहतरी हुआ है। साथ ही उन्होंने उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर में हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किए हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार और जो उत्तर प्रदेश की GDP है यानी कि प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने के जो दावे कर रहे हैं वो इस बार के बजट में देखने वाली बात होगी। आपको बताया कि अगर बात करें तो पिछले बजट जो उत्तर प्रदेश का पिछला बजट था वो लगभग 6.5 लाख करोड़ का था, और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के बजट को कितने लाख करोड़ का रखा गया है और किन वर्गों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, वो बजट के बाद कहना साफ होगा। मगर हर एक वर्गों की आशा अपेक्षाएँ हैं कि हमारे लिए बेहतरी आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बजट के अंदर में किन वर्गों को क्या बेहतरी दी जाती है। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। की शुरुआत आज 11 बजे से होगी। समाजवादी पार्टी के विधायक राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सपा विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। विधानमंडल के दोनों संयुक्त अधिवेशन यानी विधानसभा और विधान परिषद में सदन की कार्यवाही की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे पर सवाल को लेकर बजट सत्र की पूरी तैयारी कर ली है। एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में सकारात्मक मुद्दों को लेकर सदन चलाए जाने पर सहमति बनी, लेकिन कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध की बात कही है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण और बजट सत्र के पहले दिन सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दलों की तरफ से विधान भवन के बाहर भी धरना प्रदर्शन किए जाने के संकेत मिले हैं। बता दें 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 22 तारीख को सरकार अपना बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के आकार का बजट पेश करेगी। इससे उत्तर प्रदेश के विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने का काम किया जा सकेगा। बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के झंडे पर चर्चा की। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सभी दलों से अधिक समय तक सदन सुचारू और व्यवस्थित चलाए जाने की अपील की। तय किया गया कि सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संयुक्त अभिभाषण से होगी। बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी सदस्यों की तरफ से हंगामे के आसार भी पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है। इसके अलावा रामचरितमानस को लेकर पिछले दिनों उठे विवाद को लेकर भी इस विषय पर सदन में नोकझोंक और जोरदार बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। रविवार को ही सर्वदलीय बैठक का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना उपस्थित हुए। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा,
मोना बसपा की नेता विधानमंडल दल उमा शंकर सिंह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सहयोग की मांग की। विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलीय नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसमें सदन के एजेंडे पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दल के नेताओं से अनुरोध किया है कि वो अपना अपना पक्ष सदन में शालीनता एवं संसदीय मर्यादा के अंतर्गत रखें। और इसी बीच आशुतोष सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर आदमी पूरा प्रदेश, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, बेरोजगार हो, अधिवक्ता हो, शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, हर आदमी सरकार से परेशान हैरान है और कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और इस साइकिल की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं आज सदन में लेने का काम करेंगे? देखिए सदन में लगातार जिस तरह से बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह से गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है, लगातार इतने मुद्दे सरकार के खिलाफ, सरकार कोई काम नहीं कर पाई। पूरे की पूरा विफल इसका कार्यकाल की शुरुआत से 2017 से लेके अब 2022 तक का जो कार्यकाल एकदम असफल था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी आज आसपास देखेंगे सदन में, क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी शिवपाल जी से? बहुत मजबूती मिलेगी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभव उनको है सदन का। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।